हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, तो जब भी जो सिक्योरिटीज होते हैं, सिक्योरिटी मतलब क्या, शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखते हो या ऑनलाइन फॉर्म में आपके पास रखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। मतलब आपको सिंपली क्या करना रहता है, वेबसाइट पे जाना रहता है, वहां पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना होता है और आपके अकाउंट के अंदर आप लोग आपके सारे सिक्योरिटीज जो है वो देख सकते हो। तो इस तरीके से अपने पास इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या ऑनलाइन तरीके से या डिजिटल तरीके से हमारे पास सिक्योरिटीज हम लोग रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डिपॉजिटरी सिस्टम। यहाँ पे सारी चीजें जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है। मतलब आपको अगर सिक्योरिटी किसी को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना मतलब कि किसी को सेल करना या फिर किसी को गिफ्ट करना, तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और सेटलमेंट मतलब कि आपने जब सिक्योरिटी बेचते हो तो आपको सामने वाले से पैसा आना रहता है, तो पैसा भी जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आता है। तो यहाँ पे फिजिकल कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है। नाउ डिपॉजिटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर सारी चीजें पॉसिबल होती है, जैसे कि वहां पे आपका अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, जो भी सिक्योरिटी का आपका अकाउंट है वो। दूसरा, यहाँ पे आप सिक्योरिटीज को ट्रांसफर भी कर सकते हो, आपका डिविडेंड या इंटरेस्ट जो होता है वो आप कलेक्ट कर सकते हो, आपको बोनस शेयर्स वगैरह जो होता है, ये सब चीजें जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू। आपको कहीं पे भी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होता है, फिजिकल कोई भी ट्रांजेक्शन करना होता नहीं है। और ये डिपॉजिटरी सिस्टम का ही दूसरा नाम है स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रिप्टलेस का मतलब क्या होता है, पेपरलेस। यहाँ पे कोई भी पेपर इन्वॉल्व होता नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एवरीथिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। नाउ इंडिया के अंदर जो ये डिपॉजिटरी सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय पासिंग डिपॉजिटरी एक्ट 1996। और हमारे यहाँ पे दो डिपॉजिटरीज है, एक है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जिसको NSDL बोला जाता है, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जिसको CDSL बोला जाता है। नो डिपॉजिटरीज वगैरह क्या होता है ये हम लोग आगे एक वीडियो में देखने वाले हैं, जहां पे हम लोग हर एक टर्म को समझने वाले हैं। और दुनिया का जो फर्स्ट डिपॉजिटरी है वो 1947 में जर्मनी के अंदर सेटअप हुआ था। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है इसके क्या बेनिफिट्स है या एडवांटेजेस है या इंपॉर्टेंस है। इसको दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ, एक तो इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है और दूसरा कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है। तो पहला इन्वेस्टर को यहाँ पे बेनिफिट ये हो रहा है कि उनकी जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो रही है। जब फिजिकल फॉर्म में आप सिक्योरिटीज रखते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे उसमें डिलीवरी में लेट हो सकता है, कभी कभी वो घूम सकते हैं, कभी कभी वो चोरी हो सकते हैं, उसका ड्यूप्लीकेशन हो सकता है या रॉन्ग पर्सन को डिलीवर हो सकता है। तो ये सारे जो रिस्क है इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमारे पास सिक्योरिटीज होते हैं, तो ये सारे जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इन्वेस्टर जो एकदम रिस्क फ्री हो जाता है। दूसरा है, यहाँ पे कंप्लीट सिक्योरिटी होती है। ओके, मतलब ऑनलाइन है, इट डजंट मीन कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज जो भी है उसको कम्प्लीटली सिक्योर तरीके से और सेफ तरीके से रखा जाता है, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है वो डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर फंक्शन करता है। यहाँ पे सेबी का पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होता है। नाउ किस तरीके से डिपॉजिटरी एक्ट या फिर सेबी का मॉनिटरिंग यहाँ पे होता है, देखो कि अगर सपोज कोई इन्वेस्टर है वो क्या कर सकता है कि अपना जो डीपी होता है, डीपी का मतलब क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। अगेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट वगैरह क्या होता है ये हम लोग आगे एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो इन्वेस्टर जो है वो अपने डीपी को बताता है कि मेरे अकाउंट को आप क्या करो, फ्रीज कर दो या लॉक कर दो, ताकि जो भी अनएक्सपेक्टेड डेबिट या क्रेडिट होता है उसको वो अवॉइड या प्रिवेंट कर सकते। मतलब सडनली अकाउंट में से सिक्योरिटीज चले गए, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, डीपी को बोलता है कि मेरे अकाउंट को आप क्या कर दो, फ्रीज कर दो या लॉक कर दो। तो इस हिसाब से यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो आपके सिक्योरिटीज को सेफ्टी मिलती है। नेक्स्ट वाला है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नाउ यहाँ पे अगर सपोज आपको कि आपके सिक्योरिटी को या शेयर्स को किसी को ट्रांसफर करना है तो वो भी इजी हो जाता है, बिकॉज किसी भी तरीके से यहाँ पे फॉर्म फिलिंग नहीं करना पड़ता या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करने पड़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती है। फिजिकल फॉर्म में जब सिक्योरिटीज आप किसी को ट्रांसफर करते हो तो उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, पर यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से है इसकी वजह से स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती नहीं है। दूसरा, ये जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है उसमें काफी ज्यादा कम टाइम लगता है। ओके, मतलब जो बहुत ज्यादा टाइम लगता है फिजिकल इसमें वो यहाँ पे कम हो जाता है।
सो तीन चीजें बताई मैंने यहाँ पे कि एक तो ट्रांसफर करने के लिए कोई फॉर्म या कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती है और फास्ट आपका ट्रांसफर हो जाता है. ओके, इसके लिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. अपडेट्स एंड इंटीमेशंस, अगर सपोज आपने किसी भी सिक्योरिटीज को बेचा या किसी भी सिक्योरिटीज को आपने खरीदा तो उसके अपडेट्स या उसके इंटीमेशन जो है वो इन्वेस्टर्स को डीपी के द्वारा या डिपॉजिटरी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर आपको ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या आपके घर पे डायरेक्ट कोई भी लेटर या मेल भेज के या आप लोग आपके डीमैट अकाउंट में लॉग इन करके आप चेक कर सकते हो. तो आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं. जैसे बैंक में से हम लोग पैसा निकालते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको एसएमएस आता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे जब भी हमारे डीमैट अकाउंट में कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका हम लोग को अपडेट मिल जाता है. तो अगेन यहाँ पे हमको क्या मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है कि तुरंत ही हम लोग को इंटीमेशन मिल रहा है, तुरंत ही हम लोग को अपडेशन मिल रहा है अगर हमारे अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी होती है. तो नेक्स्ट वाला है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. भले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास सिक्योरिटीज है बट फिर भी वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप लोग क्या कर सकते हो, बैंक के पास से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकते हो. तो अगर आपको ऐसे लगता है कि फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी होते हैं तो उसको गिरवी रख के हम लोग लोन ले सकते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म के जो भी सिक्योरिटीज होते हैं उसको भी हम लोग गिरवी रख के हम लोग उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं. नेक्स्ट वाला है नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स. जब हम लोग फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज परचेस करते हैं तो उसमें लॉट्स होते हैं. आप अगर कभी भी कोई भी सिक्योरिटीज का आईपीओ आता है तो उसको अगर प्रॉपरली पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको लिखा रहेगा मार्केट लॉट. मार्केट लॉट का मतलब क्या, ये 1000 सिक्योरिटीज का लॉट होता है, आपको पूरा का पूरा 1000 का लॉट परचेस करना पड़ेगा. पर ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसकी वजह से लॉट सिस्टम जो एबॉलिश्ड हो चुका है, एबॉलिश्ड का मतलब क्या, निकल चुका है. यहाँ पे अगर आप लोग को एक सिंगल शेयर भी परचेस करना है या एक सिंगल सिक्योरिटी भी परचेस करना है तो आप लोग कर सकते हो, आपको लॉट पूरा का पूरा परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, तो फिजिकल इसके अंदर आपको लॉट परचेस करने पड़ते थे, यहाँ पे आप लोगों को लॉट परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपको जितने भी चाहिए उतने सिक्योरिटीज आप परचेस कर सकते हो. नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसके अंदर नॉमिनेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है. नॉमिनेशन फैसिलिटी कब होती है, जब भी किसी भी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके सिक्योरिटी जो है उसके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है. देन ऑटोमेटिक क्रेडिट्स. नाउ ऑटोमेटिक क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज जो होती है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है कंपनी के द्वारा, यहाँ पे किसी भी चीज के लिए फिजिकली हमको जाना नहीं पड़ता, उसको कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं. नो कौन सी चीजें यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन के अंडर आते हैं या ऑटोमेटिक क्रेडिट के अंदर आता है, तो आपको जो डिविडेंड मिलता है वो भी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाता है. बोनस शेयर जो आपको इशू किए जाते हैं वो भी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आते हैं. कंपनी जो आपको राइट इशू देती है वो भी ऑटोमेटिक आपको मिल जाते हैं. देन जो आपका डिबेंचर का रिडम्पशन है, मतलब आपने डिबेंचर परचेस किए थे 3 साल के लिए, 3 साल के बाद में उसके जो पैसे आपको मिलेंगे उसको रिडम्पशन बोलते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाता है. और कंपनी मर्जर्स या एक्विजिशंस वगैरह होते हैं तो उसमें भी जो प्रोसीजर होता है, जैसे कि सपोज आपकी कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज हो गई तो उसका जो पूरा प्रोसीजर जो होता है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है. ओके, आपको यहाँ पे कोई शेयर सर्टिफिकेट का नाम वगैरह चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाती है मर्जर और एक्विजिशन के केस में. तो डिपॉजिटरी सिस्टम में या ऑनलाइन सिस्टम में आपके सिक्योरिटीज होने की वजह से बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेडिट के बेनिफिट मिल जाते हैं. किसी भी चीज के लिए आपको अगेन फिजिकली वहां पे कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फिजिकल प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ती नहीं है. अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है इसके कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. तो सबसे पहले कंपनी को अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलता है, बिकॉज बहुत सारे मात्रा में यहाँ पे सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं और बहुत सारे ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, ट्रांसमिशंस वगैरह होते हैं, तो कंपनी को जब फिजिकल फॉर्म में वो सिक्योरिटीज होते हैं तो वो अपडेट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से होता है तो कंपनी को हर एक मिनट का, हर एक दिन का यहाँ पे अपडेट मिल जाता है. जैसे कि कितने इन्वेस्टर के पास सिक्योरिटीज है, उसकी कितने वैल्यूज है, अगर कोई कितने लोगों ने शेयर को ट्रांसफर किया, कितने लोगों की सिक्योरिटीज ट्रांसमिट हो गए हैं, एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी को अप टू डेट मिलती है. तो कंपनी अपने वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकती है, हर एक जो इन्वेस्टर है उसका अकाउंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को अपने वेबसाइट पे मिल सकता है. दूसरा है रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स. जब भी फिजिकल फॉर्म में कोई भी सिक्योरिटीज इशू किया जाता है तो उसमें प्रिंटिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है.
जैसे कि आपको एडवर्टीजमेंट प्रिंट करना पड़ता है, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है, देन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, देन सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रिंटिंग का खर्चा होता है। प्लस आप लोग वो जो इन्वेस्टर है उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे वो सब चीजें भेजते हैं, तो आपको पोस्ट का या कुरियर का भी जो खर्चा होता है वो करना पड़ता है। तो बेसिकली जब आपको सिक्योरिटी इश्यू किया जाता है या बोनस शेयर्स वगैरह मिलते हैं या आप ट्रांसफर वगैरह करते हो, तो उसके अंदर आप लोगों को प्रिंटिंग का खर्चा और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बहुत लगता है। बट ऑनलाइन तरीके से होने की वजह से ये सारा जो खर्चा है प्रिंटिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का वो बच जाता है, तो आपका वहां पे कॉस्ट सेविंग हो रहा है। देन बेटर इन्वेस्टर एंड कंपनी रिलेशन, जब ऑनलाइन टाइप में सिक्योरिटीज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट जो होती है थोड़ी कम हो जाती है। अभी इन्वेस्टर किन चीजों की कंप्लेंट्स करते हैं, बेसिकली कि हमारा सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, या फिर हमने जो ट्रांसफर के लिए ट्रांसमिशन के लिए एप्लीकेशन किया था उसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, हमको मनी जो है वो जल्दी रियलाइज नहीं हो रहे। रियलाइज मतलब क्या होता है, जल्दी नहीं मिल रहा है। कोई भी शेयर को अगर बेचता है तो ऑब्वियसली वो पैसा चाहता है, तो पैसे उसको टाइम पे नहीं मिल रहे, तो वो उनका कंप्लेंट रहता है। देन जो सर्टिफिकेट्स है उनकी डिलीवरी हमको अभी तक नहीं मिली है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ये सब चीजें जो है, ये सारे कंप्लेंट्स फिजिकल फॉर्म में जब सिक्योरिटीज होती है तो वो बहुत आते हैं, बट यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से तो ये सारी कंप्लेंट्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और कंप्लेंट रिड्यूस होते हैं तो कंपनी का और इन्वेस्टर का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है और कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है, तो यहाँ पे कंप्लेंट्स कम हो जाते हैं, वो याद रखना है, और कंपनी का इन्वेस्टर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाता है। देन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, नाउ डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है कि आप लोग बेटर और क्विक सर्विस प्रोवाइड करते हो, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन है तो एक्यूरेसी भी है और बेटर सर्विसेज भी आपके इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। तो अब्रॉड के जो इन्वेस्टर्स है या फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स है वो भी अट्रैक्ट होते हैं, वो भी आपके कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको फॉरेन से इन्वेस्टमेंट मिलने में भी यहाँ पे हेल्प होती है। तो ये सब था बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसको हमने इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होते हैं और कंपनी को क्या बेनिफिट होते हैं ये सब देखा। ये मेरे URL है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।